हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका पूरा परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका टीचर विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मूल ज्ञान विद विकास कुमार शाह में। आज हम कक्षा तीसरी के ईवीएस की वर्कशीट को हल करना सीखेंगे। आप सब इसे ध्यान से देखें, समझें और करें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगा वह आपको पहले ही मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने हैं इस बार की वर्कशीट, जिसका पाठ है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए, जिसमें जिसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उल्लू, खोखली, गिद्ध, चील, उल्लू। पहला है पक्षियों की हड्डियां डैश होती हैं। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं बच्चों? पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, तो यहां हम लिखेंगे खोखली। खोखली। दूसरा है डैश काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा लेता है। ये कौन से पक्षी हैं? चलिए देखें। ये देखिए, ये कौन सा पक्षी है? ये देखेंगे आप कैसे ही अपनी गर्दन को घुमा रहा है। तो देखा आपने, ये पक्षी है उल्लू, जो कि काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा लेते हैं। तो हम इसमें उत्तर में क्या भरेंगे? हम अपने उत्तर में भरेंगे उल्लू। तीसरा है डैश की चोंच मजबूत, तेज और हुक वाली होती है। ये कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच तेज और हुक वाली होती है? चलिए देखें। पहचाना आपने, ये कौन सा पक्षी है? ये पक्षी है चील। आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी ये जो चोंच है ये कैसे हुक वाली है और कितनी मजबूत है, जिससे ये दूसरे जानवरों पक्षियों की मांस को चीर देता है, क्योंकि ये एक मांसाहारी पक्षी है। तो हम अपने उत्तर में क्या भरेंगे? हम अपने उत्तर में भरेंगे चील। अगला है डैश मृत पशुओं को खाते हैं। ऐसे कौन से पक्षी हैं जो मृत पशुओं को खाते हैं? तो चील हम भर चुके, चील भी मृत पशुओं को खाता है, लेकिन अधिकतर इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है एक कौन सा पक्षी होता है वो? चलिए देखें। ये देखा आपने, ये कितना बड़ा है? ये चील से भी बड़ा है। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और चोंच भी बहुत मजबूत होती है। ये अधिकतर मृत पशुओं को ही खाते हैं। इस पक्षी का नाम है गिद्ध। क्या नाम है बच्चों? गिद्ध। तो इसे हम उत्तर में क्या भरेंगे? गिद्ध।
गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत पशुओं को खाता है। चलते हैं अगले की तरफ, पांचवा, ये क्या कह रहा है? डैश, रात को नहीं सोता है। कौन सा पक्षी है जो रात को नहीं सोता है? ये है उल्लू। उल्लू दिन में सोता है और रात में वो अपना शिकार करता है, तो यहां क्या भरेंगे हम? उल्लू। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर दो, ये क्या कह रहा है? निम्न आवाजों को पढ़कर पहचानते हुए पक्षी का नाम बताइए। ये आवाज आपके सामने अलग अलग पक्षियों को दी हुई है, ये पक्षियां या ये पक्षी कैसे कैसे आवाज करते हैं और उनकी आवाज लिखी हुई है, उन पक्षियों को हमें यहां पर उत्तर में लिखना है, जिसके लिए ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं। पहला है काव काव करना, ये तो सबको पता होगा, काव काव कौन करता है? कौआ, यहां लिखेंगे हम कौआ। कौआ। दूसरा है कुहू कुहू करती है, कौन करती है कुहू कुहू या कू कू कौन करती है? ये है कोयल। कोयल कुहू कुहू करती है, उसकी आवाज को हम कुहू कुहू करना कहते हैं। तीसरा है गुटरगू करना, ये भी सबको मालूम है, कौन करता है गुटरगू भाई? अरे एक कबूतर होता है, कबूतर गुटरगू की आवाज करता है। चौथा है क्वैक क्वैक करना, क्वैक क्वैक कौन करता है? बतख, बतख की आवाज को क्वैक क्वैक करना कहते हैं, बतख। पांचवा है कुकड़ू कू करना, कुकड़ू कू कौन करता है? ये भी सबको मालूम है, मुर्गा या मुर्गी, ये कुकड़ू कू करती है, तो हम अपने उत्तर में क्या भर देंगे? मुर्गी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न तीन में क्या कह रहा है? नाम के साथ पक्षियों के चित्रों का मिलान कीजिए। आपके सामने कुछ नाम दिए हुए हैं और कुछ पक्षियों के चित्र दिए हुए हैं, इनको हमें मिलान करना है। अब ये देखिए, पहला है ये पक्षी, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा इधर दिया हुआ है, छठा, सातवां और आठवां। तो कौआ, कौआ कहाँ है? ये कौआ है, तो इस तरह से इसे चित्र से इसके नाम को मिला देंगे। ये कौन सी पक्षी है? इसे कहते हैं किंगफिशर। और ये कौन सी पक्षी है? गौरैया। गौरैया कहाँ है ढूंढें? ये रही गौरैया, जो हमें हमारे घरों में भी या आमतौर पर पेड़ों पे आपने देखा होगा, ये छोटी सी एक चिड़िया होती है, ये होती है गौरैया। ये देखिए बच्चों, ये है किंगफिशर, ये है किंगफिशर और ये है गौरैया। ये तो दिखा ही होगा आपने इस चिड़िया को घरों में, नजदीक के पेड़ों पर, ये हमारे आसपास ही रहती हैं। तो ये है किंगफिशर और दूसरी वाली गौरैया।
आगे चलते हैं। अब अगला नाम है इसका, अगला जो नाम दे रखा है वो है एक उल्लू। उल्लू तो हमने अभी देखा, उल्लू कैसा दिख रहा था, कुछ इस तरह का दिख रहा था, ये है उल्लू। अगला है कठफोड़वा। कठफोड़वा इस चित्र में कहाँ है, चलिए पहले कठफोड़वा को देखते हैं। क्यों कट कहते हैं कठफोड़वा, कठ मने काठी, काठी मने लकड़ी, और फोड़वा मज उसे फोड़ना, क्योंकि ये अपना घोंसला पेड़ों पर उनके तने को छेदकर या मोटी मोटी जो डालियां होती हैं उनकी शाखाएं होती हैं उनमें छेद छेद कर अपने चोंच से उसे मार मार कर उसमें बिल बना देता है और ये उसी में रहता है, इसे कहते हैं कठफोड़वा। तो देखते हैं कठफोड़वा का चित्र हमारे प्रश्न में कहाँ बना है। कठफोड़वा का चित्र हमारे प्रश्न में, कठफोड़वा है हमारा, ये है कठफोड़वा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये पेड़ के तने पर चढ़ा हुआ है और उसे ठोक रहा है और ये इसमें अपना बिल बना रहा है। अगला है शत्रुमुर्ग। तो शत्रुमुर्ग कैसा होता है, चलिए देखें कुछ बातें इसके बारे में जानें। तो ये जो पक्षी आप अपने सामने देख रहे हैं, इतने सारे पक्षी, ये हैं शत्रुमुर्ग। शत्रुमुर्ग बहुत बड़े होते हैं और बहुत भारी भी, इतने बड़े कि एक आदमी की ऊंचाई के बराबर ये ऊंचे होते हैं या उससे भी ऊंचे होते हैं। कई बार तो ये बाहर के देशों में जो पाले गए शत्रुमुर्ग होते हैं उन पर लोग सवारी भी करते हैं। सोचिए ये कितने भारी हैं कि एक आदमी तक का वजन भी ये उठाकर दौड़ सकते हैं। बच्चों ये पक्षी उड़ तो नहीं सकते लेकिन बहुत तेज दौड़ते हैं, ये इनकी एक खासियत है। इतना भारी होने के बाद भी ये बहुत तेजी से दौड़ते हैं। तो बच्चों ये शत्रुमुर्ग है जो कि एक बहुत बड़ा पक्षी होता है। तो हमने जो हमें मिलान करना है हमारे प्रश्न में, तो उसमें आइए देखते हैं कि शत्रुमुर्ग कहाँ है। शत्रुमुर्ग हमारे प्रश्न में कहाँ दे रखा है उस पर हम निशान लगाते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा था इस तरह का, ये है शत्रुमुर्ग, तो इसे शत्रुमुर्ग से हम मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न है, अगला जो है नाम वो है गिद्ध। गिद्ध हमने अभी देखा था जो कि मृत पशुओं को खाते हैं, तो कैसा दिख रहा था गिद्ध, कुछ इस तरीके का, चील जैसी चोंच वाला लेकिन लंबी गर्दन वाला, तो ये है गिद्ध। अब आगे दे रखा है बया पक्षी। बया पक्षी हमने नाम तो बहुत कम ही सुना होगा या नहीं सुना होगा, आइए देखते हैं बया पक्षी कैसा होता है। बया पक्षी ये देखिए, ये जो पक्षी है आपके सामने, जो ये अपना घोंसला बना रहा है, ये बया पक्षी है। ये देखिए किस तरह से अपना घोंसला बुन रहा है, इस पक्षी को कहते हैं बया पक्षी, जो इस तरह के घोंसले बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ये बनाते हैं ताकि मादा बया पक्षी उसमें अंडे दे सके। तो चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा बया पक्षी कहाँ पर दे रखा है। हमारा बया पक्षी ये रहा, देखा आपने, ये इसका घोंसला ऐसा दे रखा है और ये है बया पक्षी। तो हम इसका मिलान बया पक्षी का ये इधर कर देंगे। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है।
में कह रहा है प्रश्न नंबर 4 में, सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें पहला है एक आलसी पक्षी जो अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देता है, ऐसा कौन सा पक्षी है? भाई वो आलसी तो हुआ वो, क्योंकि अंडे देने के लिए वो अपना घोंसला तक नहीं बनाता, उसमें भी आलस कर जाता है, तो कैसा कौन सा पक्षी है वो, आइए देखते हैं। वो है ये पक्षी। ये पक्षी, वैसे तो इसकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है, इसकी आवाज़ की बड़ी तारीफें होती हैं। कौन सा पक्षी है? अभी हमने उसकी आवाज़ के भी बारे में भी पढ़ा था, तो कौन सा पक्षी है वो? ये पक्षी है कोयल, जो कुहू कुहू करती है, इसकी आवाज को हम कुहू कुहू हमने ऊपर पढ़ा, ये है कोयल। कोयल अधिकतर कौओं के घोंसले में अपने अंडे देती है और उनके अंडों को ये नीचे गिराकर तोड़ देती है, और जब उसके अंडों से बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो वो उन्हें बाद में उड़ा ले जाती है। तो इस पक्षी को कहते हैं कोयल। कोयल ये ऐसा पक्षी है जो दूसरों के उसमें घोंसले में अंडे देती है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? कोयल। दूसरा है एक पक्षी जो पत्तियों, धागे आदि से सिलाई करके अपना घोंसला बनाता है। ये तो बड़ा काम करने वाला पक्षी है। ऊपर हमने आलसी पक्षी के बारे में पढ़ा, जो कोई काम नहीं, अपने अंडे तक देने के लिए दूसरे के घोंसले में देती है, और यहाँ पर एक पक्षी है जो पत्तियों और धागों से, धागे या सूखे घासों के तिनकों से लंबे लंबे जो रेशे होते हैं उनसे, उनको चुनकर लाकर वो उनकी सिलाई करते हैं और अपना घोंसला बनाता है। तो सिलाई करने वाला नाम से ही पता चल गया, सिलाई करने वाला ऐसा पक्षी। तो हमारे जैसे कपड़े जो सिलता है हम उसे क्या बोलते हैं? दर्जी। तो ये भी तो एक दर्जी पक्षी हुआ। तो आइए देखें दर्जी पक्षी कैसा होता है। ये देखो बच्चों, ये दर्जी पक्षी, ये है दर्जी पक्षी। इसने पत्तों पे, देख रहे हैं आप कैसे इसने पत्ते को मोड़ के और उसे यहाँ से पूरा सिल रखा है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिला होगा और सिलकर इसने अपना घोंसला इसमें बनाया है। तो ये पक्षी है दर्जी पक्षी। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमारा उत्तर क्या हुआ? दर्जी पक्षी। अगला है एक पक्षी जो घास, जड़ आदि से बुनकर घोंसला बनाता है। ये भी काम करता है पक्षी, ये भी अपना घोंसला घास, जड़ आदि से बुनकर बनाता है। अभी हमने ऊपर देखा था कौन सा पक्षी था वो, जिसने गोल गोल ऊंचे पेड़ पर लंबा सा बना रखा था अपना घोंसला। चलिए आगे एक बार देखते हैं। और ये बता सकते हो बच्चों क्या नाम है इस पक्षी का? अभी हमने पढ़ा था। यस, ये पक्षी है बया। तो बया पक्षी ने देखो अपने घास और तिनकों से और रेशों से किस तरह से अपना घोंसला, कितना प्यारा सा घोंसला इसने बनाया है। तो ये है, ये इसे बुन कर बनाता है, और जो दर्जी पक्षी था वो सिल कर बनाता है, पत्तों में छेद करके उसे सिलता है तब बनाता है, और बया पक्षी इसे बुनता है। तो इसे कहते हैं हम बया। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? बया पक्षी। चौथा भाग है सबसे बड़ा और भारी पक्षी। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने देखा भी पीछे, जो कि आदमी तक की सवारी कर लेता है और आदमी से भी बड़ा होता है, जो आदमी को अपने पीठ पर बैठाकर सवारी भी करवाता है। लेकिन ये खतरनाक भी बहुत होते हैं, अगर ये जंगली हुए तो ये खतरनाक होते हैं। तो ये पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, इसका नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। शु तू र मु र्ग, शुतुरमुर्ग। अगला भाग है पांचवा,
दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आइए देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है ये। देखो बच्चों, बहुत छोटा पक्षी होता है ये, हमारी हथेली से के आधे से भी आधा, इतना छोटा पक्षी होता है ये। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है जो अधिकतर फूलों के रस को या उनके पराग को चूसता है, जिस तरीके से मधुमक्खियां चूसती हैं। तो ये उनके, ये उसका भोजन होता है, फूलों का पराग या फूलों का रस, ये उनका भोजन होता है जिसे ये चूसता है। और ये बहुत तेजी से उड़ते हुए एक ही जगह पर केवल पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ता रहता है और फूलों के रस को चूसता है। इस पक्षी का नाम है बच्चों हमिंग बर्ड। इसका नाम है हमिंग बर्ड, और हिंदी में इसे बोलते हैं हम गुंजन पक्षी। हिंदी में बोलते हैं गुंजन पक्षी। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? गुंजन पक्षी। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। चलते हैं अब अगले भाग की तरफ। हमारे सामने है चौथे प्रश्न का छठा भाग। पेड़ों के तने की छाल में छेद करने वाला पैनी चोंच वाला पक्षी, जिसको अभी हमने पीछे देखा था, जो कि एक पेड़ के तने पर चढ़ा हुआ था और उसे फोड़ रहा था, यानी उसमें छेद कर रहा था। वो छेद कर कर उसमें अपना घोंसला बनाकर रहता है। तो उस पक्षी का क्या नाम था? कठफोड़वा। इसका उत्तर हुआ हमारा कठफोड़वा। अगला हमारा भाग है सातवां, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अपने भारत के राष्ट्रीय पक्षी तो हम सबको मालूम है, बहुत ही सुंदर पक्षी है जिसके शिकार पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। ये बहुत सुंदर पक्षी का नाम आप सब भी बता सकते हैं, कौन सा है वो पक्षी? मोर। है ना बच्चों, होता है ना मोर सुंदर? देखें, ये देखो कितना सुंदर है, और खासकर तो इसका जो रंग और इसका जो पंख होते हैं इसके, कितने सुंदर होते हैं। शानदार पक्षी है हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो चलते हैं हम अपने अगले भाग की तरफ, आठवां। ये कह रहा है एक पक्षी जो उड़ नहीं सकता। अभी पीछे हमने देखा एक बहुत भारी पक्षी को और बहुत बड़े पक्षी को, बता सकते हैं क्या नाम है? उसका नाम है शुतुरमुर्ग। वो भी नहीं उड़ सकता, लेकिन हमारे जो ऑप्शंस में, विकल्पों में ये नाम नहीं दे रखा है। तो हम देखते हैं, गिद्ध तो उड़ सकता है, कठफोड़वा अभी हमने देखा वो तो उड़कर ऊंचे ऊंचे पेड़ के तनों में या डालियों में छेद करके अपना घोंसला बनाता है, और नीलकंठ, नीलकंठ ये भी उड़ता है, इसका गला नीले रंग का होता है। तो उड़ कौन नहीं सकता है? वो है कीवी। कीवी कैसा होता है? आइए देखें, कीवी कुछ ऐसा होता है। कीवी ये तो पंख ही नहीं होते हैं, इस पर कुछ कांटेदार इसके बाल होते हैं, और ये थोड़ा बड़ा मोटा सा पक्षी होता है और झुक कर चलता है। यह है कीवी। ये भूरे रंग का होता है और ये उड़ नहीं सकता। तो हमारा उत्तर हुआ कीवी। अगला भाग कह रहा है एक पक्षी जिसके पैर जालीदार होते हैं। जालीदार का मतलब उसके जो पंजे होते हैं, जो पंजे उंगलियां होती हैं, वो एक दूसरे से एक झिल्लीदार मांस से जुड़ी होती है, जिसे जाली कहते हैं।
कुछ इस तरह। ये आप देख रहे हो, इस तरह से ये दो उंगलियों के बीच में ये जो जालीदार भाग है। ये पक्षी आखिर कौन सा पक्षी है? ये पक्षी है, पहचाना आपने, ये पक्षी है क्वैक क्वैक बतख। देख रहे हैं यहां पर इसके पैर जो जालीदार हैं, ये इसकी किस प्रकार मदद करते हैं? ये इसे तैरने में मदद करते हैं। इन जालीदार भाग से, पूरे पैर से ये पानी को आसानी से पीछे की ओर धकेल के तैर सकता है। तो जालीदार पैर वाला हमारा उत्तर क्या हुआ? हमारा उत्तर हुआ बत्तख। अगला भाग है दसवां। यह पक्षी सभी पक्षियों में सबसे अच्छा नृत्य करता है। अरे भाई, कौन नाच सकता है? चलिए देखते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कितना अच्छा नाच था? ये कौन सा पक्षी था? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि सबसे अच्छा, सभी पक्षियों में सबसे अच्छा नृत्य यानी कि नाच करता है। तो हमारा उत्तर हुआ मोर। आशा है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बच्चों, आपको जहां जो प्रश्न नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार दो बार उसे चलाकर देखिए, उसे सीखिए, समझिए, ध्यान से सुनिए और उत्तरों को अपनी कॉपी में कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है पूरा समझ में आएगा। जो भी आपको प्रश्न नहीं समझ में आया हो, दोबारा देखने से वीडियो को वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आशा है कि आप सब इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। तो सब एक एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।